गाइज अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैजान अहमद। टुडेज टॉपिक इज डिसीजन ट्री लर्निंग यूजिंग ID3 एल्गोरिथम। सबसे पहले डिसीजन ट्री के डेफिनेशन देखते हैं। डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट अ फंक्शन दैट टेक्स एज इनपुट अ वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ डिसीजन अ सिंगल आउटपुट वैल्यू। डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे फंक्शन को जो वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू को एज एन इनपुट ले और उससे एक रिजल्ट या फिर डिसीजन रिटर्न कर दे, ठीक है, जो कि सिंगल आउटपुट वैल्यू हो। अब ये जो इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ हैं ये डिस्क्रीट भी हो सकती हैं और कॉन्टीन्यूस भी हो सकती हैं। अब ये डिसीजन ट्री डिसीजन लेगा कैसे? बाय परफॉर्मिंग अ सीक्वेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। सपोज मेरा आउटिंग का जो प्लान है वो डिपेंड करता है वेदर पर, आउटलुक पर, ठीक है। अगर वेदर जो है वो सनी है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर वेदर जो है आउटलुक जो है वो रेनी है तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आउटलुक जो है वो ओवरकास्ट है तो मैं आउटिंग का प्लान करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिसीजन ट्री का एग्जांपल। अब इसमें जो नोड है ये आपको नोड आउटलुक नोड जो है ये एट्रीब्यूट वैल्यू को टेस्ट कर रही है, यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म हो रहा है हमारा। और ये जो सनी ओवरकास्ट रेन जो आउटलुक के जो चाइल्ड हैं, ठीक है, ये ब्रांचेज हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये करस्पॉन्ड टू एन एट्रीब्यूट वैल्यू नोड। ये ब्रांचेज जो हैं ये आउटलुक के करस्पॉन्डिंग नोड कौन से हैं? सनी, ओवरकास्ट, रेन, ठीक है। और लास्ट में जो लीफ है इसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मीन्स डिसीजन को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिसीजन ट्री लर्निंग। नाउ एल्गोरिथम्स देखते हैं। डिसीजन ट्री लर्निंग की ऐसे तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन जो नोटेबल वंस हैं वो कौन कौन सी हैं? ID3 एल्गोरिथम, आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम है। सेकेंड वन इज C4.5 सक्सेसर ऑफ ID3, ये ID3 का एडवांस फॉर्म है। कार्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, ठीक है, ये भी एल्गोरिथम है जो हम यूज़ करते हैं। काइड स्काई स्क्वायर्ड ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्टर, ये क्या है? मल्टी लेवल स्प्लिट करता है व्हेन कंप्यूटिंग क्लासिफिकेशन ट्रीज। जब क्लासिफिकेशन ट्रीज पे ये कंप्यूट करता है तो क्या करता है? मल्टीपल स्प्लिट, ठीक है, मीन्स कई सारे स्प्लिट हो जाएंगे एंड देन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और उसके बाद लास्ट में हमको एक सिंगल डिसीजन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज मार्स एक्सटेंड डिसीजन ट्रीज टू हैंडल न्यूमेरिकल डेटा बेटर। तो ये एल्गोरिथम्स हैं डिसीजन ट्री लर्निंग की। इसमें जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम है वो है आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3, जिसको आज हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए एल्गोरिथम देखते हैं। ID3 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, सबसे कॉमन एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री की। डाइकोटोमाइजेशन मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू कम्प्लीटली अपोजिट थिंग्स। जैसे कि डिसीजन मैं ले रहा था आउटिंग के प्लान के लिए, तो वो जो उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज थी वो बिल्कुल डिफर थी। सनी बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू रेनी, और ओवरकास्ट बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू सनी एंड रेनी, ठीक है। Algorithm iteratively divides attribute into two groups which are the most dominant attribute and others to construct a tree. अब algorithm जो है ये iteratively divide करती जाएगी ग्रुप्स में, ठीक है, और लास्ट में हमको मोस्ट डोमिनेंट एट्रीब्यूट मिल जाएगा जिससे हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन इट कैलकुलेट्स द एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन्स ऑफ ईच एट्रीब्यूट। इन दिस वे द मोस्ट डोमिनेंट एट्रीब्यूट कैन बी फाउंडेड। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एंट्रोपी, इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है जो अभी आगे देखेंगे, और इन्फॉर्मेशन गेन, ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट के लिए। इस तरह से हमको मोस्ट डोमिनेंट एट्रीब्यूट मिल जाएगा। आफ्टर देन द मोस्ट डोमिनेंट वन इज पुट ऑन द ट्री एज डिसीजन नोड। अब जो मोस्ट डोमिनेंट एट्रीब्यूट हमको मिलेगा उसको हम डिसीजन नोड बनाएंगे अपने ट्री में, ठीक है। एंट्रोपी एंड गेन स्कोर्स वुड बी कैलकुलेटेड अगेन अमंग द अदर एट्रीब्यूट। अब एंट्रोपी और गेन वैल्यूज़ को हम बार बार कैलकुलेट करते रहेंगे हर एक एट्रीब्यूट के लिए, और लास्ट में हमको क्या होगा? हमारा ट्री फाइनलाइज हो जाएगा। प्रोसीजर कॉन्टिन्यूज अंटिल रीचिंग अ डिसीजन फॉर दैट ब्रांच, और इस तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन पर ना पहुंच जाएं। ये ID3 एल्गोरिथम है। नाउ स्टेप्स देखते हैं कैसे ID3 एल्गोरिथम को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एवरी एट्रीब्यूट यूजिंग द डेटा सेट एस। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ -pi इंटू लॉग बेस टू pi, ठीक है। अब ये pi वैल्यू आपको गिवन होगी, उसके बाद करना क्या है? उसके बाद एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद हमको स्प्लिट कर देना है s को इंटू सबसेट, ठीक है। और ये जो स्प्लिटिंग होगी ये कैसे होगी? जिसकी एंट्रोपी मिनिमम होगी, ठीक है, या फिर गेन वैल्यू जो हो, गेन इन्फॉर्मेशन गेन जो कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम हो। तो इन्फॉर्मेशन गेन का फार्मूला क्या है, गेन एफ कॉमा ए। एफ क्या है, ये एंट्रोपी है और ए क्या है, एट्रीब्यूट है। ये पर्टिकुलर हर एक एट्रीब्यूट वैल्यू अलग अलग होगी। इक्वल टू एंट्रोपी एफ माइनस समीशन ऑफ पी एफ गिवन ए इनटू एंट्रोपी एफ गिवन ए। तो इससे हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन मेक अ डिसीजन ट्री नोड कंटेनिंग दैट एट्रीब्यूट। और उसके बाद जो पर्टिकुलर गेन वैल्यू आएगी, जो जिसकी सबसे ज़्यादा गेन वैल्यू आएगी, उसको हम डिसीजन ट्री नोड बना लेंगे। ठीक है, रिकर्स ऑन सबसेट यूजिंग रिमेनिंग एट्रीब्यूट। और उसके बाद फिर से हम जो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, मिनिमम वैल्यू को हमने यहाँ पे गेन वैल्यू निकाल ली मिनिमम के लिए। एंड देन उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज हैं उन पर अप्लाई करेंगे गेन फार्मूला और उससे हम फिर से गेन कैलकुलेट करते जाएंगे। और इस तरह से हमको लास्ट में पूरा कंप्लीट डिसीजन ट्री मिल जाएगा। तो ये ID3 एल्गोरिथम के स्टेप्स हो गए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ आ जाए कि ID3 एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। ये एग्जाम्पल है टू गो फॉर आउटिंग और नॉट। ठीक है, इसमें 14 इंस्टेंसेस गिवन हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट कौन कौन सा गिवन है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, डिसीजन। अगर आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, विंड वीक है, तो डिसीजन क्या है, नो है। ठीक है, इसी तरह से आउटलुक हाई ओवरकास्ट है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है, तो डिसीजन क्या हमारा, येस है। ठीक है, तो ये 14 इंस्टेंसेस दिए हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। डिसीजन कॉलम कंसिस्ट ऑफ 14 इंस्टेंसेस एंड इंक्लूड 2 लेवल्स, येस और नो। देखिए डिसीजन जो गिवन थे वो सिर्फ 2 ही गिवन थे, येस और नो। ठीक है, या तो हम आउटिंग के लिए जाएंगे अदरवाइज नहीं जाएंगे। देयर आर 9 डिसीजन लेवल येस एंड 5 डिसीजन लेवल नो। 5 कौन से हैं, जिनका लेवल है नो, मीन्स वो नो के लिए हैं, और 9 डिसीजन ऐसे हैं जिनके लिए येस मीन्स जाएंगे। ठीक है, एंट्रोपी डिसीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस पी येस इंटू लॉग बेस 2 येस माइनस पी नो इंटू लॉग बेस 2 नो। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए। तो येस की वैल्यू कितनी है, 9, और टोटल वैल्यू कितनी है, 14। तो एंट्रोपी डिसीजन इक्वल टू -9/14। 9 डिसीजन येस हैं तो, और टोटल कितने हैं, 14। तो 9/14 इंटू लॉग बेस 2 9/14 माइनस पी की वैल्यू कितनी हो गई, नो के लिए कितना है, 5 है, तो 5/14 इंटू लॉग बेस 2 5/14। तो एंट्रोपी वैल्यू कितनी हो गई, 0.940। ये कैसे कैलकुलेट किए, कैलकुलेटर से। वीडियो क्रिएटेड बाय सैयद फैजान अहमद। तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 0.940। ये वैल्यू क्या है, हमारी एंट्रोपी वैल्यू है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें विंड फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, विंड फैक्टर ऑन डिसीजन। तो गेन DW इक्वल टू एंट्रोपी D माइनस समीशन ऑफ P D गिवन W इंटू एंट्रोपी D गिवन W। अब ये जो विंड फैक्टर है, ये 2 इसके लेवल्स से, पहला था स्ट्रॉन्ग और दूसरा क्या था, वीक। ठीक है, तो गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब गेन जो कैलकुलेट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेट करेंगे और वीक के लिए कैलकुलेट करेंगे। एंट्रोपी D माइनस P D गिवन W इक्वल टू वीक, एक बार वीक के लिए, ठीक है पूरा फार्मूला, और एक बार स्ट्रॉन्ग के लिए। तो अब गेन एक बार हम वीक के लिए कैलकुलेट करेंगे और एक बार स्ट्रॉन्ग के लिए। ठीक है, तो अब वीक विंड फैक्टर क्या क्या है, देखिए ये वीक विंड है, तो इसमें डिसीजन हमारा नो भी है येस भी है। ठीक है, तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, D गिवन W इक्वल टू वीक माइनस पी नो इंटू लॉग बेस पी नो माइनस पी येस इंटू लॉग बेस पी येस। तो नो कितने और येस कितने हैं, नो जो है हमारे पास वो कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। ठीक है, तो -2/8 इंटू लॉग बेस 2/8 -6/8 इंटू लॉग बेस 2 6/8। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमको कितनी वैल्यू मिल गई, 0.811। ठीक है, ये हो गया हमारा वीक फैक्टर के लिए। नाउ अब हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फैक्टर के लिए। स्ट्रॉन्ग फैक्टर में देखिए कितने नो हैं, 3 नो हैं और 3 येस हैं। ठीक है, इसके लिए एंट्रोपी कैलकुलेट की। D गिवन W इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइनस पी नो इंटू लॉग बेस 2 पी नो माइनस पी येस इंटू लॉग बेस 2 पी येस। ठीक है, तो इसमें 3 दोनों में थे, तो -3/6 इंटू लॉग बेस 2 3/6 माइनस 3/6 इंटू लॉग बेस 2 3/6। याद रखिए लॉग बेस 2 माइनस का 0.5 का मतलब ये होता है कि हमको 1 मिल जाए। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या होता है, लॉग बेस 2 0.5 का मतलब होता है 1। ठीक है, और इसी तरह से log 1 की वैल्यू होती है 0। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, इससे आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे ये कितनी वैल्यू मिल गई, 1 मिल गई, और ये आपको पता है 0.5, ये 0.5, ये मिलकर 1 हो गया, तो 1 × 1 करने पर हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे एंट्रोपी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है तो ये एंट्रोपी इसकी भी कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेन DW इक्वल टू एंट्रोपी D माइनस पी गिवन W इक्वल टू वीक इंटू एंट्रोपी DW वीक पी DW स्ट्रॉन्ग एंट्रोपी DW स्ट्रॉन्ग। तो कितनी वैल्यू आ गई 0.940, ये एंट्रोपी थी हमारी ओवरऑल, माइनस 8/14 इंटू 0.811 माइनस 6/14 इंटू 1। तो गेन कितना आ गया 0.048। ठीक है, गेन DW कितना आ गया 0.048। तो अब हम सिमिलर कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे और फैक्टर्स पर और कॉलम्स पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, गेन डिसीजन आउटलुक के लिए कितना मिल जाएगा हमें 0.246, इसी तरह से हमको टेम्परेचर के लिए कितना मिल जाएगा 0.029, और इसी तरह से हमको ह्यूमिडिटी के लिए कितना मिल जाएगा 0.151। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके लिए 0.246, तो इसमें से हम आउटलुक को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा रूट नोड कौन सा हो गया, आउटलुक हो गया। आउटलुक डिसीजन जो है ये क्या हो गया हमारा, रूट नोड हो गया। तो आउटलुक हमारा रूट नोड में आ गया। ठीक है, और आउटलुक के करस्पॉन्डिंग नोड कौन कौन से थे, सनी था, ओवरकास्ट था और रेन था। तो अब हम इन तीनों के लिए जो है एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे और गेन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरकास्ट के लिए देखते हैं। ओवरकास्ट देखिए, जब भी ओवरकास्ट है आउटलुक तो डिसीजन हमारा येस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरकास्ट कुछ भी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा, अगर सीधा सीधा आउटलुक जो है वो ओवरकास्ट है तो डिसीजन येस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे ट्री में डायरेक्ट ओवरकास्ट के नीचे येस आ जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई ब्रांच निकल नहीं रही है ना। अब हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सनी के लिए। तो सनी में क्या हो रहा है, देखिए सनी है अगर तो 3 डिसीजन हमारे नो के हैं, 2 येस के हैं। तो सनी के लिए आप पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे एंड देन गेन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं की है, मैं डायरेक्ट गेन वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, आउटलुक इक्वल टू सनी गिवन टेम्परेचर गेन इक्वल टू 0.570। इसी तरह से नाउ आउटलुक इक्वल टू सनी गिवन ह्यूमिडिटी गेन इक्वल टू 0.970। ठीक है, एंड लास्ट वन आउटलुक सनी गिवन विंड गेन इक्वल टू 0.019। ठीक है, तो अब इन्फॉर्मेशन गेन जो है ह्यूमिडिटी का सबसे ज़्यादा है 0.970। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज द डिसीजन। तो ये हमारा ट्री में वैल्यू आ गई, सनी के नीचे क्या आ गया, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कितने हाई है और किसके लिए नॉर्मल है ये देखते हैं। तो ह्यूमिडिटी हाई कितनों के लिए, 3 के लिए, और डिसीजन क्या है हमारा, नो है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो डिसीजन क्या है, नो है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो डिसीजन क्या है, येस है। ठीक है, तो ट्री कैसा हो जाएगा, आउटलुक सनी ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो डिसीजन क्या है, नो, और किसके किसके लिए नो है, 1 के लिए, 2 के लिए और 8 के लिए, 1, 2 और 8। इसी तरह से ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो डिसीजन क्या है, येस है, किसके लिए, 9 के लिए और 11 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमिडिटी हो गया। नाउ अब हम रेन के लिए कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी और गेन वैल्यूज़। तो रेन, जब आउटलुक रेन है तो डिसीजन क्या है, येस भी है और नो भी है। ठीक है, तो रेन के लिए हमें आउटलुक रेन है तो उसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। ठीक है, तो गेन आउटलुक इक्वल टू रेन गिवन टेम्परेचर, इसी तरह से गेन आउटलुक इक्वल टू रेन गिवन ह्यूमिडिटी, इसी तरह से गेन आउटलुक इक्वल टू रेन गिवन विंड। नाउ अब ये तीनों वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। आपको टेम्परेचर के लिए गेन कैलकुलेट करना है, ह्यूमिडिटी के लिए गेन कैलकुलेट करना है और विंड के लिए गेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये ट्रिक तभी यूज़फुल है जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लें, तभी आप उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। जैसे कि आउटलुक इक्वल टू रेन है हमारा। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर जब मिल्ड है तो डिसीजन क्या है, येस है। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर जब मिल्ड है तो डिसीजन नो है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें फिर से फर्दर उसकी ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से ह्यूमिडिटी में देखिए हाई है ह्यूमिडिटी, तो डिसीजन क्या है, येस है, और ह्यूमिडिटी हाई है तो डिसीजन हमारा नो है। इट मीन्स कि हमें ह्यूमिडिटी के लिए भी ब्रांचिंग करनी पड़ेगी अगेन। ठीक है, और हम ह्यूमिडिटी एक बार यूज़ भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन विंड में आप देखिए, विंड जब वीक है तो डिसीजन येस है, और विंड वीक है तो डिसीजन येस है, और विंड वीक है तो डिसीजन येस है, और जैसे ही विंड स्ट्रांग हुई तो डिसीजन नो हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रांग के लिए डिसीजन नो है। मीन्स विंड जो है कम्प्लीटली डिवाइड है डिसीजन में। अगर वीक है तो फिर येस है, सभी के लिए येस है। ठीक है, और अगर स्ट्रांग है तो नो है, सभी के लिए नो है। ठीक है, तो यानी विंड की हमें अगेन ब्रांचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। विंड एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमें डिसीजन डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम विंड को चूज़ कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करें और उसके बाद गेन वैल्यू कैलकुलेट करें और उसी बेसिस पर आप कोई डिसीजन लें। ठीक है, यहाँ पे विंड वैल्यू को चूज़ करने के बाद मुझे क्या मिल गया, विंड अगर स्ट्रांग है तो डिसीजन क्या है, नो है 6 के लिए और 14 के लिए। ठीक है, और अगर विंड वीक है तो डिसीजन येस है 4, 5, 10। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमको मिल गई और इसके बाद हमें फर्दर ब्रांचिंग की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम कंप्लीट डिसीजन ट्री को देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट डिसीजन ट्री है। इसमें आप देखिए आउटलुक अगर सनी है तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो डिसीजन क्या है, नो है, और अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो डिसीजन येस है। ओवरकास्ट में क्या है, डिसीजन हमेशा येस है। ठीक है, नो नहीं है, सिर्फ येस डिसीजन है ओवरकास्ट में। रेनी में क्या है, रेन में फिर से डिपेंड कर रहा है विंड पर। अगर विंड स्ट्रांग है तो डिसीजन क्या है, नो है। ठीक है, और अगर विंड वीक है तो डिसीजन येस है। सो गाइज, ये एग्जाम्पल था IT3 एल्गोरिदम का इन डिसीजन ट्री लर्निंग। होप यू एन्जॉय द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।